हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक जियोनी का फ़ोन है जिसका आपको मॉडल पहले दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, जियोनी P5L। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम है कि फ़ोन बिल्कुल फुल शॉर्ट है। ठीक है, तो आज हम इसका फुल शॉर्टिंग निकालेंगे। तो मैंने इसका सारा भी प्लेट रिमूव कर दिया, जितना भी CPU प्लेट इसका था मैंने सारा रिमूव किया है। ठीक है, और एक बार मैंने PCB को पूरा क्लीन भी किया है। तो चलिए आपको एक बार मल्टीमीटर से इसका शॉर्टिंग चेक करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम इसका जो शॉर्टिंग हटाने वाले हैं तो आपको दोनों चीज़ से दिखाने वाला हूँ कि हमारे लिए पावर सप्लाई वेस्ट है या फिर जो बैटरी के द्वारा हम शॉर्ट क्लियर बनाते हैं वो बेटर है। ठीक है, तो आज हम आपको दोनों बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, कि हु इज़ द वेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारा शॉर्ट क्लियर फेल हो जाता है, DC पावर सप्लाई फेल होता है, लेकिन ये बैटरी वाला हमारा फेल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका प्लस का पॉजिटिव इसका रिवर्स साइड में है। ठीक है, तो मैंने जो माइनस प्रोड का उसके एक मल्टीमीटर को माइनस में रखा है और प्लस को डायरेक्ट यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यहाँ पे फुल शॉर्टिंग का हमें एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब बीप शो कर रहा है हमारा फुल शॉर्टिंग का। ठीक है, तो आज हम इसको सिंपली इसका शॉर्टिंग रिमूव करेंगे। पहले हम इसको ट्राई करेंगे पावर सप्लाई से, अगर हमारा पावर सप्लाई वर्क नहीं करेगा तो फिर हम जो बैटरी का जो हमने जुगाड़ किया उस जुगाड़ से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको सारा इसका प्लस जो भी हमारा जो CPU और MMC का ऊपर जो टिन रहता है उसको आपको रिमूव करना है। देख लेना पहले कि कहाँ पे हमारा शॉर्टिंग है, क्योंकि मैंने जो ये मदरबोर्ड का उस साइड मैंने इसका जो फर्स्ट लाइन में शॉर्टिंग कहीं नहीं था, मैंने एक बार चेक किया अभी इसको। ठीक है, लेकिन उधर हमारा कुछ भी हीटिंग नहीं हो रहा था, जो कि हीटिंग हो रहा था हमारा पावर IC के आसपास में हीट हो रहा था। ठीक है, तो ये मेरे पास दो बैटरी आप देख पा रहे हो कि मैंने एक लेनेवो का बैटरी है। आपके पास कोई भी ख़राब बैटरी हो, जो स्मार्टफोन का जो हमारा रहता है कूड़ा कचड़ा बैटरी, ये मेरे पास इधर दो और एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली इसको भी बना सकते हैं, कुछ का सीरीज उरीज नहीं करना, प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में रखना है। ठीक है, आप देख रहे हो कि बिल्कुल मैंने एक और बना के रेडी रखा है। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, दो बैटरी को लेना, प्लस को प्लस माइनस को माइनस में एक साथ जोड़ना है, दो तार हमें निकाल लेना। ठीक है, जो आप वायर निकाले वो हल्का हैवी में निकाले, क्योंकि शॉर्ट का काम करता है, पतला तार आएगा तो आपका तार ही जल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का तार यहाँ पे आपको यूज करना है। ठीक है, और सिंपली आपको दिखाता हूँ इसका वोल्ट कितना है। इस ज़्यादा भी वोल्ट सीरीज करोगे तो सीधे 8 वोल्ट या 6 वोल्ट निकालेगा, लेकिन हमें सीरीज नहीं करना, सिंपली प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में दोनों बैटरी को एक साथ जोड़ना है। और हमारा बैटरी से समथिंग चार्ज होना चाहिए, देख पा रहे हो कि इसका बैटरी 3.7 चार्ज है, ये समथिंग 4.5 तक भी रहेगा तो कोई हमें इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका बैटरी थोड़ा सा भी लो है। ठीक है, तो आज हमें आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि DC पावर सप्लाई इधर है और बैटरी है, तो हम दोनों से आज आपको शॉर्टिंग देखेंगे, हमारा शॉर्टिंग किससे निकलता है, किससे मेरा वेस्ट है। ठीक है, तो अभी DC पावर सप्लाई पे मेरा 380 वोल्टेज है, तो दोनों का भी सेम 0.10 कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो इतना पे मैं अभी शॉर्टिंग इसका निकालूंगा। ठीक है, तो आज आपको पता चल जाए कि शॉर्टिंग निकालने के लिए हमारे लिए बेटर टूल कौन सा है, ये बैटरी या फिर हमारा वो पावर सप्लाई। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर क्लियर पता चलने वाला है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ही मदरबोर्ड को हल्का ड्राई कर लेना है। ठीक है, जो रोजिन पेस्ट हम अप्लाई करेंगे, क्या होता है कभी कभी हमारा रोजिन अप्लाई क्यों नहीं होता, इसका रीज़न रहता है कि हम जब मदरबोर्ड को पहले क्लीन करते हैं थिनर या पेट्रोल से, जो चीज़ से भी आप करते हो, तो उस जो जब जो वो मदरबोर्ड हमारा भीगा रहता है, तो उस टाइप हमारा रोजिन सही से अप्लाई नहीं हो पाता। तो हमें अच्छे से पहले मदरबोर्ड को गर्म करके बोर्ड को बिल्कुल बिल्कुल भीजा नहीं रहना चाहिए, बोर्ड हमारा बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। ठीक है, बोर्ड बिल्कुल सूखा रहेगा तो हमारा रोजन बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। ठीक है, बस बोर्ड हमारा कहीं से हल्का भीजा टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई करना बहुत ही आसान है। मैंने अभी सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 300 पर रखा है, मैंने OSS का सोल्डिंग आयरन यूज़ करता हूँ, T12X। ठीक है, तो सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 300 पर है, और 300 पर आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप 350 भी रख सकते हो, अगर आपका 300 पे काम नहीं हो रहा तो। ठीक है, तो ये फ़िलहाल मैं 300 पे रखा हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे से हमारा रोजिन इतना पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने जब इसे VVAT पे इसका लाइन दिया था तो यहीं पे इसी सेक्शन में मेरे को हीट महसूस हो रहा था, यहीं पे ये गर्म हो रहा था। ठीक है, तो अभी पहले इसको हम आपको DC पावर सप्लाई से इसका शॉर्टिंग हटा के दिखाएँ कि हमारा फास्ट वर्क कौन सा कर रहा है, DC पावर सप्लाई या फिर हमारा जो बैटरी का जुगाड़ जो बनाया है उसको। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट किलर में देखते हैं हमारे लिए कौन अभी कौन वेस्ट रहने वाला है, कौन शॉर्ट किलर जल्दी हमें शॉर्ट इसका रिमूव करता है फ़ोन का। ठीक है, तो हमारा इसी सेक्शन में शॉर्टिंग है, तो चलिए सिंपली आपके सामने यहाँ पे हम DC पावर सप्लाई को भी रखेंगे और बोर्ड को भी रखेंगे। ठीक है, आपको कोशिश करूँगा कि दोनों दिखे क्लियर क्लियर। ठीक है, तो अभी 380 वोल्ट पे सेट किया इसको। ठीक है, तो चलिए माइनस को ग्राउंड में कहीं पे भी टच कर देना है आपको। ठीक है, तो मैं माइनस को कहीं पे भी इसे अटैच करूँगा। ठीक है,
और प्लस पे अप्लाई करूँगा, ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ पे हमारा हीट सेंस हो रहा है, ठीक है, या हमारा सॉर्टिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि वोल्टेज हमारा कंज्यूम कर रहा है 1 एम्पियर ओवर, ठीक है, 1.5 एम्पियर तक हमारा वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा 1.5 एम्पियर तक वोल्टेज ले रहा है, मदरबोर्ड पे हीटिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत अभी तक हीटिंग भी हो रहा है, लेकिन हमें कंफर्म आप देख सकते हो कि जो एक हमारा कैपेसिटर है वो यहाँ से मेल्ट हुआ है वहाँ पे, इसका जो रोजिन पेस्ट था, ठीक है, लेकिन बहुत लेट लगा, ठीक है, और बहुत ही मतलब बिल्कुल कन्फर्मली कुछ तो कन्फर्म हो गया कि हमारा शॉर्टिंग है यहाँ से ये कैपेसिटर से। अब देखते हैं हमारा बैटरी का जुगाड़ कि बैटरी हमारे कैसा वर्क करता है, ठीक है। तो हम सिंपली फिर से यहाँ से रोजिन अप्लाई करेंगे इस पर, फिर से देखते हैं बैटरी हमारा किस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। तो फास्ट वर्क कौन सा शॉर्टिंग के लिए हमारा करता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये काम ही नहीं करता है, डीसी पावर सप्लाई से पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा। इसमें तो हुआ बट बहुत लेट के बाद यहाँ पे वो हमारा पिघला है इसका जो रोजिन फ्लक्स था, ठीक है। तो अभी हम जो बैटरी का जुगाड़ बनाया है, बैटरी वाला जुगाड़, अब देखते हैं कि हमारा फास्ट काम है या स्लो काम है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको हम ट्राई करते हैं। इसको भी सिंपली आपको माइनस में कहीं पे टच कर देना ग्राउंड में, ठीक है, इससे हाथ से नहीं पकड़े, नहीं तो शॉर्टिंग के कारण कभी कभी जल जाता है, अभी हाथ भी आपका जल सकता है, तो सेफ्टी का ध्यान रखें। माइनस को ग्राउंड में टच करना और प्लस पे देना। देखिए मैं जैसे ही प्लस पे टच कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ जूम करके, ठीक है। देखिए मैंने वीडियो को जूम किया बिल्कुल HD में, ठीक है, और जैसे ही आपको प्लस पे देते हो तो देखिए यहाँ से हमारा तुरंत फट से जो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है, देखिए वहाँ से हमारा धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देख पा रहे हो बिल्कुल क्लियरली क्लियरली कि हमारा कौन सा कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। तो ये है बैटरी फर्स्ट मल्टीमीटर कि कौन सा हमारा वेटर फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम इस कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव करेंगे और देखेंगे कि फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पता चल ही हो गया हो कि हु इज़ द वेस्ट, आपको पावर सप्लाई लेना है, पावर सप्लाई से शॉर्टिंग हटाना है, या फिर आपको बैटरी से खुद बना के, ठीक है। तो आपने देखा था कि बैटरी का वोल्टेज वही था 3.70 के समथिंग, इतना पे भी शॉर्टिंग हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो देखें कि हमारा ये फास्ट काम कर रहा है डीसी पावर सप्लाई से, ठीक है, ये बहुत जल्दी ही मतलब जहाँ भी शॉर्टिंग रहता है बहुत जल्दी ये वर्क कर जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा देरी तक अप्लाई करे नहीं रखना है, ठीक है, बस आपको टच कर करके जैसे एक ग्राउंड रखे एक प्लस पे टच करे, देखे कहाँ पे शॉर्टिंग पता चल जाए तो आप सिंपली वहाँ से उसे छोड़ दे, ठीक है। ज़्यादा देर आप रखते हो तो वो वहाँ पे कैपेसिटर ही पूरा जला देगा वो, ठीक है। तो इसका भी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार चलिए इसको क्लीन करेंगे और फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन अब ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अब फ़ोन को चलिए ऑन करके देखते हैं हम, आप एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कोई हीटिंग वीटिंग तो ना हो रहा है फिर से। चलिए सिंपली एक बार और देख देखते, तो चलिए यहाँ पे अब हमारा कोई भी हीटिंग वीटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीमीटर पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा, ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अभी मल्टीमीटर को हम बीप मोड पे सेव करेंगे या डायोड मोड पे, ठीक है। तो मैं मल्टीमीटर को थोड़ा सा अच्छे से रख लेता हूँ, सब ये सब आपको दिखाने के चलते करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर क्लियर पता चले, ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी मैंने फ़िलहाल में बीप मोड पे रखा है, हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन कब बीप कर रहा है, अब शॉर्टिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ पर रखूँगा तो आप देख पा रहे हो कि कोई भी यहाँ पर, एक बार मैं आपको मल्टीमीटर पर दिखा देता हूँ, कोई भी वैल्यू शो ना हो रहा है। एक बार रिवर्स वॉइस भी चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू हमारा नहीं आ रहा है, यानी शॉर्टिंग पूरा हमारा बीप मोड पे ख़त्म हो चुका है। अब चले डायोड मोड पे इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई हाफ शॉर्टिंग तो नहीं अब है। तो सिंपली आपको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, मैंने प्लस को ग्राउंड और माइनस को बैटरी कनेक्टर पर लगाया है तो हमारा कंटिन्यूटी सही आ रहा है, ठीक है। अब फ़ोन को चलिए ऑन करके देख लेते हैं, सिंपली चलिए फ़ोन को फटाफट फिट कर लेते हैं। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही बिल्कुल डीपली वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
कमेंट करके बताएं कि आपको कुछ वीडियो में दिक्कत है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से वो वीडियो में सारा क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे फ़ोन को मदरबोर्ड में फिट कर लिया है, ठीक है। अब चलिए फ़ोन को आपको ऑन करके दिखाते हैं सिंपली। तो इसका बैटरी लो है तो मैं इसको चार्ज में पहले लगाऊंगा, ठीक है। तो कुछ टाइम से यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि देखोगे यहाँ पे हमारा फ़ोन चार्जिंग लेना स्टार्ट हो गया। इसका शॉर्टिंग फ़ोन का 100% निकल चुका है, ठीक है। देखिए अभी बैटरी इसका 0% चार्ज है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो लाता हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।